त्रयोदशः पाठः तेरह पाठ। काकः कौआ, इस पाठ में कौए की होशियारी बताई गई है कि किस तरह होशियारी से उसने अपनी प्यास बुझाई। एकः काकः तृषा पीड़िता, एक काकः कौआ तृषा प्यास से पीड़ित था, व्याकुल था। जलम जल न अलवत, न माने नहीं, अलवत माने पाया, दूरे दूरे दूर दूर तक। एकः काकः तृषा पीड़िता जलम न अलवत दूरे दूरे, एक कौआ प्यास से व्याकुल जल को नहीं पाया दूर दूर तक। वृक्षात वृक्षम गतः बराकः, ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे। वृक्षाद एक वृक्ष, वृक्षाद वृक्ष वृक्ष से वृक्ष तक, अर्थात एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष तक उड़ उड़ के गता गया बराकः बेचारा। वो बेचारा कौआ एक जल की तलाश में एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष तक जाता रहा। ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे, गांव गांव में नगर नगर में, कि हर गांव में हर नगर में वो एक वृक्ष पर बैठता फिर दूसरे पर बैठता, लेकिन उसने पानी को कहीं नहीं पाया। एकम एकम सहसा घटम दृष्टवान, घटे जलम दृष्टम बहु दूरे, खंडम खंडम पाषाणानाम क्षिप्तवान काकः जल मध्ये। एकम एक सहसा अचानक घटम घड़े घड़ा घड़े को दृष्टवान देखा, अचानक उसने एक घड़े को देखा। घटे घड़े में जलम जल दृष्टम दिखाई दिया बहु दूरे बहुत दूर, अर्थात घड़े में थोड़ा सा पानी था तो ऊपर से वो दूर दिखाई दिया, घड़े में जल बहुत दूर दिखाई दिया। खंड अब कौए ने सोचा कैसे पानी पिया जाए, तो खंडम खंडम टुकड़े टुकड़े पाषाणा नाम पत्थरों के, उसने पत्थरों के टुकड़े ला ला कर क्षिप्तवान फेंके काकः कौए ने जल मध्य जल के बीच में। तो कौए ने पत्थर के टुकड़े ला ला के जल के बीच में फेंके। घटकंठम संप्राप्तम नीरम पीत्वा संतुष्टः खलु काकः, बुद्धिपूर्वकम यत्नम कुरुते वद न सफलताम लभते काकः। घटकंठम घड़े के मुख तक, कंठ माने गले तक, घड़े के मुख तक संप्राप्तम प्राप्त हुआ नीरम माने जल, कि वो जल था पत्थर डाल डाल कर ऊपर उठ आया था, अब जल घड़े के मुख तक आ गया था। पीत्वा पी कर के संतुष्ट संतुष्ट हुआ खलु निश्चय ही काकः कौआ, तो कौआ उस जल को पीकर निश्चय ही बहुत संतुष्ट हुआ। तो यहाँ कवि कह रहा है कि बुद्धिपूर्वकम यत्नम कुरुते, कि बुद्धिपूर्वक दिमाग लगाकर यत्नम प्रयत्न कुरुते किया जाए, यदि हम अपनी बुद्धि लगाकर कोई कार्य करें कोई प्रयत्न करें। बदन सफलताम लभते का कह, तो यहाँ कह रहे हैं कि बोलो ना नहीं सफलताम सफलता लभते प्राप्त करेगा। का कौन स्त्री, कहा माने कौन पुरुष, का स्त्रीलिंग के लिए है कहा पुल्लिंग के लिए है, तो बताओ ऐसा कोई भी स्त्री या पुरुष जो बुद्धिपूर्वक प्रयत्न करेगा तो बताओ उसको सफलता क्यों नहीं मिलेगी। अर्थात बुद्धिपूर्वक प्रयत्न करने से हर स्त्री को हर पुरुष को सफलता जरूर मिलेगी।